हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट में आपका एक आप बार फिर से स्वागत है और आज की डेट में एक वीडियो आ चुकी है यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो के बारे में ये पर्टिकुलर स्टॉक्स है जैन टेक्नोलॉजी को छोड़ो एक और कंपनी है जो कि यहाँ पर शायद ड्रोन बनाते हुए फ्यूचर में नजर आ सकती है जिसने एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ टाइप किया है तो जाके देखिए Uh, और इस वीडियो में बात करने वाले दो स्टॉक से रिलेटेड जो कि आपने डिस्क्रिप्शन में देख है, मैक लिए मैक्स हेल्थ लिया मैक्सल इंग्रीविया से रिलेटेड इंग्रीविया तो इन स्टॉक्स में गिरावट हो रही है क्या हमें शेयर को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए उससे रिलेटेड बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बड़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें आपका चैनल है इसे शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ एज वेल एज प्ले लिस्ट को गो थ्रू करिए वीडियो को जाके देखिए बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है कोई पैसा नहीं देना आपको किसी को सिंपली आपको जॉइन कोई ज्वाइन बटन भी नहीं है सिंपली वीडियोज़ को जाके देखना है लाइक करना है इस वीडियो को लाइक करिए दूसरी को जाके देखिए, उन्हें लाइक करिए सीखिए और सीखने के बाद मार्केट से पैसा कमाइए तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं इस पर्टिकुलर आ, कंपनी uh, से रिलेटेड क्या हमें एक्वायर करना चाहिए नहीं उससे रिलेटेड तो मैक्स हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं मैक्सिमम अगर हम बात करें ऑल टाइम जो कि अभी uh, 2020 में ही आता हुआ दिखाई दे दो हजार बीस में दो सौ उनतालीस परसेंटी कितने एक साल के अंदर अंदर यहाँ पर रिटर्न इसने देते हुए नजर आया है और हम हमारी बात करें तो यहाँ पर टू ट्वेंटी पर जब ये शेयर चल रहा था यहाँ पर हमने इस शेयर को पकड़ा था और आपको इस शेयर के बारे में बताया था और लगभग सेवेंटी तक के शेयर अगेन हमें मिल रहे हैं इसके थे तो थे थे रिजल्ट थे हमने तो पर दोबारा शेयर खरीदे थे क्योंकि बेहतरीन थे क्लोज हुआ है तो क्या शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं उससे रिलेटेड हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो हम जानते हैं इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड की कंपनी करती क्या है कंपनी है क्या एग्जैक्टली तो हमें एक्चुअली एक आइडिया आता हुआ नजर आएगा

हॉस्पिटल्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डलियां आर में महाराष्ट्र में उत्तराखंड में पंजाब में और यहाँ पर ये यह हॉस्पिटल्स है ओके एज वेल एज यहाँ पर और भी स्टॉक्स बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं uh, ये पर्टिकुलर इनके हॉस्पिटल है बड़े बड़े यहाँ पर आप इन जाके यहां पर देख सकते तो यहाँ पर चार प्लेसेस पे है दिल्ली एनसीआर पंजाब उत्तराखंड महाराष्ट्र बट जैसे जैसे धीरे धीरे अगर इन्हें रिक्वायरमेंट पड़ी और जैसे कि भारत में रिक्वायरमेंट ऑब्वियस सी बात है हॉस्पिटल्स की है ये साउथ में और एज वेल एज यहाँ पर और भी दूसरे प्लेसेस में यहाँ पर अपने ब्रांचेस खोलते हैं एट दैट मोमेंट यहाँ पर और भी ज्यादा इन्हें शेयर मिलता हुआ नजर आएगा और अच्छा खासा शेयर भागता हुआ नजर आएगा एमरजेंसी एज वेल एज यहाँ पर बात करें इंश्योरेंस uh, में कंपनी काम करती हुई नजर आती है इंश्योरेंस में तो नंबर वन है मैक्स लैब और यहाँ पर प्रिवेंशन हेल्थ केयर यहाँ पर अलग अलग चीजों में कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट देखिए तो देखिए लार्ज कैप कंपनी है छत्तीस करोड़ का मार्केट कैप है 260 के पीई पे चल रही है याद रखिये बहुत ज्यादा पीई पे चल रही है तो यहाँ पर uh, पर जब भी यहाँ पर एक अभी अभी जब तक रिजल्ट अच्छे आ रहे तब तक, तक इसमें रहिए एक बार रिजल्ट आना खराब हुआ है तो यहाँ पर निकल जाना एक बेहतरीन समझदारी की बात रहेगी डेट की बात करें नाके ब्राउड डेट है कोई प्लेजिंग नहीं है एज वेल एज अगर कुछ और पैरामीटर की बात करें चार सौ रुपए का इसने हाई बनाया था उसके बाद यहां पर गिरता हुआ नजर आ रहा है आई थिंक कल या परसों की डेट में यहाँ पर इसने हाई बनाता हुआ दिखाई दिया था उसके बाद अच्छी खासी गिरावट है और भी चीजों की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए दो सितंबर 2019 में 18 करोड़ रुपए की यहाँ पर सेल्स थी सत्रह टेन सेवेंटी टू टू एटी टू तो यहाँ पर देखिए बढ़ती हु और जून में यहाँ पर फाइव करोड़ की सेल्स तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बढ़त है नेट प्रॉफिट पांच करोड़ का अट्ठासी करोड़ यहाँ पर कुछ क्वार्टर में हो गया है ईयरली बेसिस पर बात करें तो ईयरली बेसिस पर पांच छह साल के अंदर अंदर कंपनी दुगनी गई है यहाँ पर कंसिस्टेंसी की ग्रोथ है 2020 में यहां पर यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी बट दोबारा यहाँ पर कंपनी ने अच्छा स्टार्टअप किया है नेट प्रॉफिट की बात करें जो घाटे में प्रॉफिट चल रहा था यहाँ पर देखिए इस बार का जो प्रॉफिट है ईयरली अच्छा बेसिस है और यहाँ पर और भी कुछ पैरामीटर्स की बात करें तो रिजर्व यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्व यहाँ पर चार हजार करोड़ के रिजर्व है बड़ा की बात करें वो कम हो तीन से चार सौ यहाँ पर वर्किंग uh, प्रोग्रेस में आठ करोड़ इन्वेस्टमेंट तेईस करोड़ के आसपास का है कैश की बात करें छह करोड़ का इनके पास कैश वेयर जो भी पैसा आता है इनकी बुक पे दिखाई देता है एज एज वेल बात करें प्रोमोटर्स की होल्डिंग सत्तर परसेंट की पर की होल्डिंग है एफ की बात करें तो यहाँ पर एफ की होल्डिंग यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी कम करी है 14%, की बात करें डीआईएस में वो होल्डिंग लेती हुई नजर आई है और बात करें पब्लिक की पब्लिक की बढ़ती हुई नजर आई है बट ज्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आई है और आशीष धवन यहाँ पर वन की हिस्सेदारी लगभग छह परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर आपको नजर आएगी रिटेल इन्वेस्टर सबकी और यहाँ पर अगर हम बात करें

जो हम पैसा लगाते हैं वहां पर लगा देना चाहिए और इसके अगले रिजल्ट का कर वेट करना चाहिए और यहां पर फिफ्टी डी में के आसपास आए तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दोबारा बनेगी बट कहने का मतलब क्या है कि की डीएमए के आसपास आए तो यहाँ पर आपको पैसा लगाना है दूसरी बात अगर हम बात करें इसके रिजल्ट अगली बार के देखने हैं एक बार इस अगले रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं प्रॉफिट में इनका बिजनेस है है एज एज वेल पर सेल्स अच्छी खासी होती हुई नजर आती है। तो एट टाइम आपको यहां पर पैसा लगाना है और यहाँ पर पैसा और ज्यादा भागता हुआ दिखाई देगा ये शेयर भागता हुआ दिखाई देगा और मल्टी बैगर रिटर्न जैसे अभी मिल रहे हैं दोबारा मिलते हुए दिखाई देंगे तो यहाँ पर इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा इसके अलावा एक और शेयर की तरफ हम बात करेंगे जो की है यहाँ पर जो जुबिलिय की बात करें ये भी डी मर्ज वाला स्टॉक है डेट की बात करें उनतीस परसेंट का डेट है ज्यादा डेट नहीं है यहाँ पर कोई शेयर प्लेज नहीं है यहाँ पर देखिए ये भी मिड कैप कंपनी है बारह हजार पच्चीस करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटल है और इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर आठ रुपए तक शेयर जाता हुआ दिखाई दिया उसके बाद से एक दो दिन से यहाँ पर इसमें भी गिरावट होती हुई नजर आ रही है और जब से ये शेयर आया है तो इसका चार्ट पैटर्न देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये हायर लो हायर हाई ये भी बनाता हुआ नजर आता है ये शेयर और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो छह सौ चौरासी से का ये शेयर है यहाँ पर करोड़ का यहाँ पर सेल्स थी मार्च दो में और जून की बात करें तो यहाँ पर ग्यारह करोड़ क्योंकि डीएमर्स के बाद अभी इनके दो ही रिजल्ट आए हैं ग्यारह सौ पैंतालीस करोड़ मतलब दुगनी होती हुई नजर आ रही है क्वार्टर में नेट प्रॉफिट यहाँ पर तीन

मतलब यहाँ पर प्रमोटर्स ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है इस चीज को भी देखिए एफ की बात करें एफ ने होल्डिंग घटाई है डी ने होल्डिंग आ, आ, समझे आ, कुछ भी नहीं किया है और पब्लिक की बात करें पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है तेईस करोड़ से यहाँ पर अट्ठाईस करोड़ सॉरी तेईस परसेंट से अट्ठाइस परसेंट यहाँ पर होती नजर आ रही है राकेश झुंझुनवाला की 28 में से ही अगर हम बात करें तो देखिए और ये हिस्सेदारी राकेश झुंझुनवाला की है लगभग के आसपास हिस्सेदारी होती है तो इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्टेड uh, uh, है और यहाँ पर ये शेयर को थोड़ा सा लंबे टाइम तक अगर प्ले करेंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि जिस बिजनेस में ये शेयर है ये शेयर मल्टी है इसके

उससे ज्यादा ये भागता हुआ दिखाई देता है अभी बात करें तो देखिए यहाँ पर आठ सौ रुपए के आसपास गया उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट है और दोबारा ये शेयर अगर आपको 700 रुपीस के आसपास मिलता है 727, 700 के आसपास तो मुझे लगता है कि आपको इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में ये शेयर आपको अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई देगा और वन के आसपास का पी है तो बहुत ज्यादा महंगा भी शेयर है बट जब तक रिजल्ट अच्छे खासे दे रहा है कंपनी ओके तब तक निकलने की जरूरत नहीं है चाहे लोग कुछ भी गए रिजल्ट अच्छे है पैसा लगाना है रिजल्ट बेकार है आपको निकलना है इस चीज को हमेशा अपने माइंड में थोड़ा सा निकाल ध्यान देना मार्केट में बहुत सारे शेयर है जिसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वो शेयर भागते हुए दिखाई देते हैं बहुत टाइम पहले आपको एक शेयर बताया था आज तक वो शेयर नीचे नहीं गिरा है भागता हुआ नजर आ रहा है आ, उसे आप समझिए थोड़े से बात को बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइक चलने की रिकमेंडेशन है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है अच्छे खासे ये स्टॉक्स है आ, और यहाँ पर जितनी गिरावट हो आपको बाइंग करने की सलाह रहेगी बट अपने की हेल्प लेनी है बाकी शेयर, इस इस शेयर वीडियो को लाइक करे दूसरी वीडियोस को जाके देखिए चैनल को सब्सक्राइब करे शेयर करे फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेस में मिलती रहे थैंक यू सो ब्लेस